वेलकम बैक इन माय चैनल। यहाँ पे मेरे पास कुछ जॉब आए हैं, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 14 से 15 जॉब हैं। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि 14 से 15 जॉब के लिए क्या क्वालिफिकेशन, कितना पढ़े लिखे चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, नॉन एक्सपीरियंस चाहिए, कितना सैलरी है, कितना घंटा वर्क कर काम कर सकते हो, सारा कुछ आपको इस वीडियो में देगी। तो बस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। तो पहला जो जॉब है आपको जो अकाउंटेंट का काम है। अकाउंटेंट में क्या होता है कि आपको अकाउंटेंट में जो है आपको स्टार्टिंग सैलरी जो अकाउंटेंट का होता है वो 10 से 15 हज़ार रुपये। अगर आप अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस बात इसमें एक्सपीरियंस बनना चाहिए, अगर आप अकाउंटेंट का काम किए तो 10 से 15 हज़ार रुपये का स्टार्टिंग सैलरी मिल जाती है। और सेकंड जो जॉब है, सेकंड जॉब है आपको वेटर का। अगर आप वेटर का जॉब करना चाहते हो तो वेटर का भी सैलरी आपको 9 हज़ार रुपये स्टार्टिंग रहता है। अगर आप कभी वेटर का काम किए हो या आप तो करना चाहते हो, फ्रेशर भी हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी आपको जो होता है आपको जो 10 से 11 जो रहता है वो ड्यूटी का आवर, मतलब 12 घंटा आप इसको कर सकते हो। और यहाँ पर फीमेल वेटर का, अगर आप लड़की हो, अगर लड़की आप होटल में वेटर का काम करना चाहते हो तो यहाँ भी उनको भी सैलरी 8 से 9 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग रहती है। और यहाँ पे है कि आप मार्केटिंग फील्ड में, अगर आप मार्केटिंग फील्ड में जॉब करना चाहते हो, बॉयज लोग का ओनली मार्केटिंग, इसमें आपको जो सैलरी है 12 से 15 हज़ार रुपये रहता है। इसमें आप फ्रेशर लोग भी अप्लाई कर सकते हो, एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हो। और एक है रिसेप्शनिस्ट का जॉब। अगर आप रिसेप्शनिस्ट का जॉब करना चाहते हो, रिसेप्शनिस्ट में ओनली गर्ल्स लोग का ज़्यादा हायर करते हैं। जो भी वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट, जैसे आप वहाँ पे किसी काउंटर पे बैठे हो तो उसको रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं, तो वहाँ पे भी रहकर आप काम कर सकते हो। रिसेप्शनिस्ट का जो स्टार्टिंग सैलरी होता है, जो रिसेप्शनिस्ट का जो स्टार्टिंग सैलरी होता है वो 15 हज़ार रुपया या 12 हज़ार रुपया आपका स्टार्टिंग रहता है, या 10 हज़ार रुपया का, मतलब आपका इंटरव्यू पे। इसमें भी आप फ्रेशर लोग भी अप्लाई कर सकते हो, आपको देखा जाएगा कि आप कैसे काम कर रहे हो। अगर आप ड्राइवर का जॉब करना चाहते हो, अगर आप मेल हो, अगर आप लड़का हो तो आप ड्राइवर, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है तो आप ड्राइवर का भी काम कर सकते हो। इसमें भी आपको चाहिए मतलब 10 हज़ार रुपया, और इसमें एक्सपीरियंस बनना चाहिए। अगर आप पहले ड्राइविंग किए हो तभी इसमें आपको जॉब मिल सकता। और एक होता है टेलीकॉलर का जॉब करना चाहते हो, टेलीकॉलर में भी जो सैलरी होती है 7 से 8 हज़ार रुपया स्टार्टिंग सैलरी होती है। अगर आप टेलीकॉलर में भी जॉब करना चाहते हो तो इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हो। या और क्वालिफिकेशन नॉर्मल जो 10th या 12th, जितना भी जॉब बता रहा हूँ 10th या 12th का आपको क्वालिफिकेशन में जब कम से कम तो चाहिए ही आपका। और यहाँ पर होता है कि आपको यहाँ पर मार्केटिंग में हो गया, अकाउंटेंट का जॉब हो गया, मेल वेटर हो गया, फीमेल वेटर हो गया, और इंडियन, अगर आपको इंडियन डिश बनाने आता है तो यहाँ पर भी आपको मिल जाता है 15 हज़ार रुपया आपको मिल जाता है। मार्केटिंग में तो हो गया आपको, यहाँ पे हाउसकीपिंग हो गया, ड्राइवर हो गया, रिसेप्शनिस्ट हो गया, और मतलब ऐसा बहुत सारे जॉब है। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड में भी जॉब करना चाहते हो, अगर इस सब का एक लिस्ट है, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करोगे तो मैं इस सारा का लिस्ट आपको व्हाट्सअप कर दूंगा या इंस्टाग्राम में आपको पर्सनली मैसेज कर दूंगा। तो अगर आपको इस सब जॉब में से कोई भी जॉब अगर आप करने के लिए इंटरेस्टेड हो, अगर आप स्टूडेंट हो, नाइट शिफ्ट में जॉब चाहिए तो नाइट शिफ्ट में ज़्यादातर सिक्योरिटी गार्ड का आपको मिल जाता है। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड का नाइट शिफ्ट में करना चाहते हो तो आपको सिक्योरिटी गार्ड का नाइट शिफ्ट में मिल जाता है। तो आई होप अगर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी हो तो मेरे इंडिया के लड़के को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे और हमेशा आप यूजफुल वीडियो देखते रहे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।